Hello friend, welcome to an academy. Let's get an ESC, India's largest learning platform. And good evening everybody. And today I am going to discuss Vortex tube refrigeration system and steam jet refrigeration system. क्या ना ये RAC का हमारा 12th lecture है. तो आज हम ये दोनों टॉपिक छोटे टॉपिक हैं आज डिस्कस करेंगे. आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं यहीं से हम. This is me, I am Gaurav Singh, मैं mechanical engineering faculty हूँ. 6 साल का teaching experience है for GATE SCPSU, M.Tech IIT Delhi से 13 में, B.Tech in mechanical engineering 2010, ESC written qualified 14 and 15, qualified GATE 11, 12 and 13. Then download an academy learning app for more information. आपको जो भी जानकारी आपसे related, कौन सा subject होने वाला है, कौन सा course start होने वाला है और क्या faculty पढ़ाने वाली है, तो अबाउट द अपकमिंग कोर्सेज, अबाउट द मॉक टेस्ट, ये सभी जो जानकारी आपसे रिलेटेड आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से मिल जाएगी. और आप स्पेशल क्लास अटेंड करते हो तो इसके हेल्प से आप कर सकते हो. एंड ठीक है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन और क्या उसके फायदे हैं यहाँ पे हम देखते हैं एक एक करके. फ्रेंड, अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के फायदे, पहला डेली लाइव क्लासेस. यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होती है तो आप किसी भी फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट हो सकते हो, ना कोई भी डाउट पूछ सकते हो, कोई भी टॉपिक डिस्कस कर सकते हो. यहाँ पे रियल टाइम इंटरेक्शन होता है बिटवीन द एजुकेटर एंड स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे अपना डाउट पूछ सकते हो. इसके लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, फ्रेंड यहाँ पे लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं रेगुलरली, तो आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, अपने आप को इवेल्यूएट कर सकते हो कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है या नहीं, ऐसे डायरेक्शन में है कि नहीं. तो दिस इज वेरी गुड एडवांटेज, ठीक है ना. इसका स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अगर आप फ्रेंड सब्सक्राइब करते हो अन अकेडमी, यहाँ पे जो भी सिलेबस है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड वो पूरा पढ़ाया जाता है, फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल. इसके साथ ही क्लास एज पर द शेड्यूल यहाँ पे लगाई जाती है, तो आप अपने आप को प्लान कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो एज पर द एजुकेटर. अनलिमिटेड असेस, फ्रेंड अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हो पर्टिकुलर कैटेगरी में, आप किसी भी फैकल्टी को सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो. दिस इज द गेट एंड ESC सब्सक्रिप्शन फीस, फ्रेंड तो यहाँ पे देखिए 12 मंथ का जो चार्ज है, 12 मंथ चार्ज इज व्हाट 25,000. अगर आप मेरा रेफरल कोड डालते हो GSUS तो आप इंस्टेंट 10% ऑफ मिलता है और फीस हो जाती है 22,500. इसी तरीके से अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फीस है 30,000, और अगर आप मेरा कोड डालते हो GSUS तो आप इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलता है और फीस हो जाती है 27,000. गुड इवनिंग विकास कुमार, गुड इवनिंग. तो डोंट फॉरगेट टू पुट माई कोड GSUS व्हेन यू आर टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन, और कम से कम आप एक साल के लिए सब्सक्राइब करें क्योंकि गेट एंड ESC तैयारी में एक साल लगेगा ही आपका. इसके बाद स्पेशल क्लास लिंक है, तो कुछ टॉपिक मैंने स्पेशल क्लास के थ्रू पढ़ा चुका हूँ, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके ये टॉपिक सुन सकते हो आप, ठीक है ना. तो यहाँ पे कुछ टॉपिक मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के पढ़ा रखे हैं, वेटिंग लाइन थ्योरी, ट्रांसपोर्टेशन, साथ में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है, शीट मेटल ऑपरेशन, तो आप ये सब टॉपिक पढ़ सकते हो. फ्रेंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च का ये यूट्यूब का कोर्स है, फ्री अवेलेबल है, आप ये यूट्यूब पे आप सुन सकते हो, ठीक है ना. ये इसकी लिंक है, द लिंक, ठीक है ना. तो आप इनको देख सकते हो, ये 23 और 24 लेक्चर्स हैं. तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पूरा कवर कराया मैंने एज पर गेट एज वेल एज पर ESC, तो आप इनको देख सकते हो यूट्यूब पे, फ्री अवेलेबल है, ये पूरी सीरीज है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की. दिस इज द पावर प्लांट सेक्शन, तो पावर प्लांट के भी मैंने ये पूरा जो सिलेबस है एज पर गेट एंड ESC आपको यहाँ पे कवर कराया है, साथ में आपको सिविल सर्विसेज क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हुए हैं, आप इसको देख सकते हो. तो आज सब्जेक्ट जो प्लेलिस्ट है, अभी हमारा RAC चल रहा है, तो जिन लोगों को दिक्कत है प्रीवियस लेक्चर कहाँ पे मिलेंगे RAC के, तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हो. दिस इज द प्लेलिस्ट ऑफ RAC, ये पावर प्लांट की प्लेलिस्ट है, ये मेटल कास्टिंग की एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च. कमिंग शेड्यूल फ्रेंड, तो आज हमारा जो वोर्टेक्स ट्यूब रेफरेंस सिस्टम छोटा सा टॉपिक आज जल्दी से इसको कवर करेंगे, ठीक है ना. इसके बाद कल हमारा फाइनल एक रिवीजन सेशन है, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि गेट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये जो रिवीजन सेशन मैंने प्लान किया है इसमें कंप्लीट रिवीजन ऑफ RAC एज पर गेट सिलेबस, यहाँ पे एज पर गेट सिलेबस मैं कल पूरा आपको रिवाइज कराऊंगा, ठीक है ना. गेट में बहुत कम पार्ट है तो ये हम पूरा रिवाइज करेंगे, ठीक है ना. गुड इवनिंग अंकित सिंह, तो यहाँ पे ये गेट के हिसाब से मैं कल आपको पूरा रिवीजन कराऊंगा 10th of September को, तो प्लीज बी रेडी, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना आप. तो गेट के लिए आपको इसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोर देन सफिशियंट है. फिर हम 11th of September से IC इंजन प्लान कर रहे हैं, ये IC इंजन स्टार्ट करेंगे, ये सिलेबस भी पूरा कराया जाएगा आपको, इंट्रोडक्शन है ये, ठीक है ना. और बाकी क्लासेज यहाँ पे 14th 15th और 12th 13th को हम स्पेशल क्लास लेंगे, ठीक है, यूट्यूब पे क्लास नहीं होगी.
ठीक है, नो क्लास ऑन यूट्यूब। फ्रेंड आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वॉर्टेक्स ट्यूब, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी होती है बहुत कम होती है, सिंपल, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं कि कूल मिल रहा है आपको माइनस डिग्री में या जीरो डिग्री, नो, जस्ट विथ कंपेरिजन तो सराउंडिंग थोड़ा सा एयर कूल हो जाती है, बस ये समझिए आप, ठीक है ना। वॉर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, यहाँ पे ये जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, सबसे पहली चीज तो ये, इसको पढ़ने से पहले आप ये बताइए व्हाट इज वॉर्टेक्स। वॉर्टेक्स किसको बोलते हैं, व्हाट इज वॉर्टेक्स, ये बता सकते हो, व्हाट इज डेफिनेशन वॉर्टेक्स। एक्चुअली ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है, तो आप ये फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हो उसको। तो व्हाट इज वॉर्टेक्स, टर्बुलेंट फ्लो में पढ़ते हो आप, ठीक है ना, कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो में पढ़ते हो आप, तो ये इनकंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो वहां पे भी पढ़ते हो आप। वॉर्टेक्स का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वॉर्टेक्स। सिंपली वॉर्टेक्स की बात करें फ्रेंड, वॉर्टेक्स इज अ रीजन, मैं आपको पहले वॉर्टेक्स का मतलब बताऊंगा। वॉर्टेक्स इज अ रीजन, ठीक है, इन अ फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, इन अ फ्लूइड, ठीक है ना, इन विच, सिंपल समझना, सिंपल वर्ड में, इन विच द फ्लो रिवॉल्व्स अराउंड एन एक्सिस लाइन विच मे बी स्ट्रेट और कर्व। फ्रेंड अगर सिंपल वर्ड में हम वॉर्टेक्स का मतलब समझे तो वॉर्टेक्स इज नथिंग बट इट इज अ रीजन इन अ फ्लूड इन विच, क्या है वॉर्टेक्स, एक फ्लो रीजन है फ्लूड के अंदर, इन विच फ्लो रिवॉल्व्स अराउंड एन एक्सिस लाइन विच में स्ट्रेट और कर्व। आपने देखा होगा बल्ब पूल बनता है जैसे इसमें इन ओपन चैनल्स, और आप कभी कभार बकेट में क्या करते हो आप हाथ डाल के, देखो वर्टेक्स मोशन की मैं बात करूं, सिंपल वर्टेक्स मोशन का तो यहां से समझ में आ रहा है कि फ्लो अराउंड अ सम एक्सिस इज कॉल्ड एज वर्टेक्स, ठीक है ना। एक चीज तो ये क्लियर है। दूसरा वर्टेक्स जो होता है दो तरीके का होता है, फ्री वर्टेक्स फ्लो, फ्री वर्टेक्स फ्लो जब आपका फ्लो होता है अलोंग द एक्सिस, अगर कोई फोर्स नहीं लगा रहे आप तो उसको फ्री वर्टेक्स फ्लो बोलते हो, और एक होता है फोर्स वर्टेक्स फ्लो, जब आप कोई फोर्स के थ्रू किसी एक्सिस के अलोंग आप फ्लूइड को घुमा रहे हो तो फोर्स वर्टेक्स फ्लो बोलते हो। जैसा सिंपल आप बकेट में पानी है, आप वाटर भरा हुआ है, आप उसको उसमें हाथ डालिए और उसको आप जब रिवॉल्व करते हो तो देयर इज अ सर्कुलर मोशन ऑफ वाटर, आप देख सकते हो, तो फोर्स वॉर्टेक्स हो गया। आपने क्या किया, हाथ डाला उधर, तो कोई फोर्स लगाया टू रिवॉल्व अ फ्लूइड अराउंड द सम एक्सिस, देन वी कॉल्ड एज फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो। फ्री वॉर्टेक्स फ्लो ये जनरल फ्लो है, यहाँ पे आप कोई फोर्स नहीं लगाते, ठीक है ना। ठीक, तो रिवर स्ट्रीम में वर्ल पूल जो बनता है, ठीक है ना, वो सब फ्री वॉर्टेक्स फ्लो के एग्जाम्पल है। ठीक, अब हम आते हैं आगे, ये आपको वॉर्टेक्स का मतलब समझ में आना चाहिए कि वॉर्टेक्स हम क्या बोलते हैं। वॉर्टेक्स रेफरेंस सिस्टम में जो वॉर्टेक्स है वो आपकी कैसा होती है, हॉट या कूल्ड होती है, और ये वॉर्टेक्स के हेल्प से हम कूलिंग इफेक्ट लेते हैं, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज वॉर्टेक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम, सिंपल। वॉर्टेक्स इज नथिंग बट वॉर्टेक्स इज अ रीजन इन विच फ्लूइड इज रोटेटेड अलोंग सम एक्सिस लाइन, ठीक है, इट मे बी अ स्ट्रेट लाइन और कर्व। तो बस आप इतना समझिए यहाँ पे, फिर वॉर्टेक्स का मतलब आपको समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ व्हाट वॉर्टेक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम। फ्रेंड एक चीज तो यहाँ पे आपको पहली तो ये याद रखना है कि वॉर्टेक्स रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम है, यहाँ पे एक सिंपल एक ट्यूब होती है, तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं इसमें। तो इसमें एक चीज आप याद रखोगे कि यहाँ पे कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, देयर इज नो मूविंग पार्ट, देयर इज नो मूविंग पार्ट इन वॉर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम, नो मूविंग पार्ट इन वॉर्टेक्स ट्यूब मूविंग, नो मूविंग पार्ट इन वॉर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यहाँ पे देखिए क्या क्या होता है, पहले हम देख लेंगे। ये कोल्ड एंड है फ्रेंड, लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोल्ड एयर आती है, ये हॉट एंड है, हॉट एयर आती है यहाँ, ठीक है ना। ये कॉनिकल वॉल्व है, दिस इज कॉनिकल वॉल्व, देखिए दिस इज कॉनिकल वॉल्व, दिस इज, यहाँ पे एक डायफ्राम और रहता है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक डायग्राम और है, यहाँ पे डायफ्राम रहता है जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है फ्लो ऑफ एयर टुवर्ड्स द लाइफ लेफ्ट। ये वॉर्टेक्स चैम्बर है, ठीक है ना, यहाँ पे वॉर्टेक्स बनती है, ठीक है ना, और ये कंप्रेस्ड एयर है, जनरली ये टेंजेंशियल नोजल होती है, इस तरीके से समझिए फ्रेंड। ये आपका मान लो, मैं इसको दूसरा व्यू दिखा रहा हूँ, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये नोजल है, इस नोजल से आपका जो भी एयर, कंप्रेस्ड एयर आप यूज कर, तो यहाँ से निकलेगी, इस तरीके से रिवॉल्व करेगी अलॉन्ग दिस ट्यूब, ठीक है ना, इस तरीके से रिवॉल्व करेगी अलॉन्ग दिस ट्यूब। तो टेंजेंशियल नोजल होती है, ये टेंजेंशियली फ्लो होता है अलॉन्ग द ट्यूब,
ठीक है ना, इसको मैं यहाँ 2D में नहीं समझा पा रहा। इस डायग्राम को मैं अगर इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ से देखूँ ट्यूब के अलोंग, तो इस तरीके से कुछ रहता है। जो नोजल है आपकी टेंजेंशियली फ्लो आपको मेंटेन कराती है अलोंग द ट्यूब। तो टेंजेंशियल नोजल है, कंप्रेस्ड एयर है, तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन बेसिकली। आपसे पूछा जाए वोर्टेक्स ट्यूब के क्या कंपोनेंट होते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो आप लिख सकते हो कि सिंपल एक ट्यूब होती है जिसमें दो एंड होती है, कोल्ड एंड एक हॉट एंड, दूसरा टेंजेंशियल नोजल रहती है, कंप्रेस्ड एयर यूज करते हैं हम फ्रेंड इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ टेंजेंशियल फ्लो बनाने के लिए टेंजेंशियल नोजल यूज होती है। राकेश मोंथी आई ऑलरेडी प्रोवाइडेड यार, मैं क्लास की शुरुआत में आपको लिंक प्लेलिस्ट बताया तो हूँ, वो लिस्ट में आप जाके देख सकते हो। हाँ सभी लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे इन द प्लेलिस्ट, ठीक है ना सर। आप सर्च करिए, नहीं मिले तो बताइए, उसमें प्लेलिस्ट है। मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको यहाँ पे बताया हुआ हूँ, ठीक है ना। तो आप प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करिए तो आपको सभी लेक्चर मिल जाएंगे वहां पे एक साथ। तो एक चीज है, कंस्ट्रक्शन तो क्लियर है आपको, सिंपल कंस्ट्रक्शन फ्रेंड, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ में आए। देखिए ये जो उस साइड जो कंप्रेस्ड एयर यहाँ से पास होती है, थोड़ा सा अलग व्यू है ये वोर्टेक्स ट्यूब का। देखिए ये हॉट ट्यूब है इस साइड, ये कोल्ड ट्यूब है, यहाँ पे ये डायफ्राम लगा रहता है, ठीक है ना। ये डायफ्राम लगा रहता है जो काफी पोर्शन ऑफ एयर का यहाँ पे आने रोकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हॉट वाला जो पोर्शन वो यहाँ पे आ जाए। ये डायफ्राम लगा हुआ है टू ऑब्स्ट्रैक्ट द हॉट एयर फ्लो टू कम टूवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है ना। ये चैम्बर है, देख रहे हैं आपको, ये नोजल है, यहाँ पे नोजल लगी हुई है, ये वॉल्व है, ये हॉट एयर है, तो इसका एक व्यू ऐसा भी है, आप देख सकते हो उसको। अब सिंपल हम वर्किंग समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन में एक चीज हमको समझा क्या पार्ट्स थे, तो आप लिख सकते हो आराम से, ठीक है ना। एक तरीके से वॉर्टेक्स इज अ रोटरलेस टर्बो एक्सपांडर। क्या है? रोटरलेस, रोटर लेस टर्बो एक्सपांडर, ठीक है ना। नो मूविंग पार्ट इज देयर, यहाँ पे कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, और साथ में आप रेगुलर, ठीक है। ये मैं कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, प्रिंसिपल अभी बताऊँ किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। एक्सपांशन वाल्व है, बिल्कुल है, एक्सपांशन वाल्व बोल सकते हो। एक्सपांशन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एट कोल्ड एंड, विकास कुमार, ठीक है ना। हियर आर एक्सपेंशन प्रोसेस विल टेक्स प्लेस एट कोल्ड एंड, बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है कि यहाँ पे इसको कूलिंग इफेक्ट मिलता है। मैं आ रहा हूं उस पे, रेगुलर कंप्रेस्ड एयर इनटू कोल्ड एंड हॉट स्ट्रीम, कोल्ड एंड हॉट स्ट्रीम। फ्रेंड बेसिकली अगर आपको बोला जाए कि व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ वॉटर ट्यूब, तो सिंपल कूलिंग इफेक्ट, ठीक है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम है तो कूलिंग इफेक्ट। और बेसिकली होता क्या है यहाँ पे कि आपको हॉट एंड कोल्ड स्टीम साइमल्टेनियसली मिलती है विद द फ्लोइंग ऑफ द कंप्रेस्ड एयर, ठीक है ना। एक चीज तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो रेगुलर कंप्रेस्ड एयर यहाँ पे आप सप्लाई करते हो, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी गेट अ टू स्ट्रीम, वन इज कोल्ड एंड अनदर इज हॉट, ठीक है ना। तो हॉट स्ट्रीम देखिए, हॉट एंड ये है हॉट स्ट्रीम, यहाँ पे कोल्ड स्ट्रीम। अब कैसे हमको ये मिलती है ये भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कोल्ड स्ट्रीम और हॉट स्ट्रीम क्या प्रिंसिपल है ऐसा कि हमको दो स्ट्रीम यहाँ पे अलग मिलती है। सिंपली फ्रेंड, सिंपल हम पहले समझते हैं इसको। देखिए यहां से आपका कंप्रेस्ड एयर सप्लाई टेंजेंशियली ये मूव किया, तो टेंजेंशियल मोशन देखिए, मैं यहाँ पे आपको ट्यूब बना रहा हूँ सिंपल, तो टेंजेंशियल मोशन होगा आपका अलोंग द ट्यूब, समझना आप आपको टेंजेंशियल मोशन अलोंग द ट्यूब। एयर जो होती है कंप्रेस्ड एयर आप ले रहे हो फ्रेंड, ठीक है ना, एक चीज ये। दूसरा जो रेगुलेशन होते हैं यहाँ पे, जो रेगुलेशन होते हैं लगभग इसके जो वॉर्टेक्स के, वो 1 लाख RPM के आसपास होते हैं, 1 लाख RPM, ठीक है ना, 1 लाख RPM, ये चीज भी ध्यान रखोगे आप, ठीक है ना। अब होगा क्या फ्रेंड, जब आपका ये इस RPM से यहाँ पे एयर कंप्रेस्ड एयर रिवॉल्व करेगी, घूमेगी, वॉर्टेक्स बनाएगी, तो बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ट्यूब एंड दिस स्ट्रीम। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द स्ट्रीम, तो इसके कारण कारण आपका यहाँ पे टेम्परेचर राइज होगा अलोंग दिस सरफेस, पहली चीज ये। दूसरा आपका होगा क्या फ्रेंड कि जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो आपके क्या है, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट, इस साइड मूव होंगे, किस साइड, सरफेस की साइड, ठीक है ना। एंड ऑल्सो देर इज ए कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स अलोंग द वॉर्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस के अलोंग, मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूँ सिंपली, यहाँ पे एक तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन टेम्परेचर राइज होगा, दूसरा देयर इज अ कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंप्रेस्ड एयर, उसके कारण आपका क्या होगा फ्रेंड, टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट इस कारण यहाँ पे आपका सरफेस पर टेम्परेचर राइज हुआ। और हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ऐसा है, एनर्जी का ज्यादातर जो हिस्सा है यहाँ पे है, तो आपका बेसिकली देखिए यहाँ पे
होता है फ्रेंड कि आपका हॉट स्ट्रीम और कोल्ड स्ट्रीम, आपकी दो स्ट्रीम बनती है, ये वाली जो स्ट्रीम है हॉट क्यों हुई मैं इसका रीजन बता रहा हूँ। जो सरफेस पे स्ट्रीम होती है फ्रेंड, आपकी एयर यहाँ से स्विल स्विल मतलब रोटेटिंग मूवमेंट, तो आपका यहाँ पे देखिए जो आपका वॉर्टेक्स बनता है एयर का, वो आपका रिवॉल्व करता है इस अलोंग द इसके सरफेस के अलोंग एंड मूव इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे इसको कौन ऑब्स्ट्रक्ट करता है, इसकी डिजाइन ऐसी रहती है, पहला तो यहाँ पे एक डायफ्राम लगा रहता है वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है टू मूव द एयर टू बार्स द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड नहीं जाती है। संदीप कुमार कुमावत क्लास डेली होती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे डायफ्राम लगा है जो ऑब्स्ट्रैक्ट करता है एयर के मूवमेंट को लेफ्ट साइड होने से, दूसरा राइट साइड मूव करता है वॉर्टेक्स, जैसे मूव करेगा तो सरफेस के अलोंग फ्रेंड क्या होगा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ट्यूब एंड द वॉर्टेक्स जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनके का सरफेस कारण जो आपका यहाँ का टेम्परेचर है ट्यूब के इस साइड जो है वो राइज अप हो जाएगा, एक तो रीजन ये, दूसरा बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर कोलिजन के कारण भी टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है ना, और ये स्ट्रीम है इस साइड मूव करने लगती है, ठीक है, इस डायरेक्शन में धीमे धीमे यहाँ पे मूव किए, तो यहाँ पे देखिए जो आपका सरफेस के साथ ट्यूब के जो स्ट्रीम हो गई वो हॉट होती है एज कम्पेयर टू द सेंटर, तो सेंटर पे जो स्ट्रीम रहती है उसका टेम्परेचर कम रहता है फ्रेंड, और जो आपके सरफेस पे जो एयर स्ट्रीम रहती है उसका टेम्परेचर क्या रहता है, ज्यादा रहता है। सिंपल समझिए, जो सरफेस पे जो स्ट्रीम रहती है उसका टेम्परेचर क्या रहेगा फ्रेंड, ज्यादा रहेगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ट्यूब्स एंड मॉलिक्यूल्स और बिकॉज ऑफ कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, इसके कारण आपका सरफेस का टेम्परेचर राइज अप हो जाएगा एज कम्पेयर टू द सेंटर लाइन एयर फ्लो, एज कम्पेयर टू द सेंटर लाइन एयर फ्लो, सिंपल, ठीक है ना। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉनिकल वाल्व लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो इस पॉइंट पे हम बात करेंगे ये वाला पॉइंट जो है फ्रंट, देखिए मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ। अब देखिए ये सेंटर लाइन जो है यहाँ पे, ये ब्लू कलर से दिखा है, यहाँ पे क्या होगा जो सेंटर पे जो आपका स्ट्रीम बन रहा है जो एयर है वो आएगी और यहाँ पे इस पॉइंट पे आके क्या होगा इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और वी कैन से सेंटर के अलोंग जो एयर मूव कर रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इन टू द प्रेशर राइज इस कॉनिकल पॉइंट पे, जो टिप है इस पॉइंट पे फ्रेंड क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर स्ट्रीम है कंप्रेस्ड एयर स्ट्रीम विल कन्वर्ट इन टू द व्हाट प्रेशर राइज, विल कन्वर्ट इन टू द व्हाट प्रेशर राइज, ठीक है ना, और बाकी का जो स्ट्रीम है वो आपकी हॉट एयर जो सरफेस के आसपास है ट्यूब के वो आपकी कहाँ बाहर चली जाएगी, सिंपल। तो यहां से हमको हॉट एयर मिल गई, अब आते हैं कोल्ड एयर, कोल्ड एयर की हम बात करते हैं फ्रेंड सिंपली। तो यहाँ पे जब ये स्ट्रीम है सेंटर लाइन के अलोंग, ये स्ट्रीम जब इसे स्ट्राइक करेगी कॉनिकल सेक्शन से, इट विल लूजेस इट्स ऑल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू द प्रेशर राइज, सिंपल। अब होगा क्या फ्रेंड, अब ये यहां से मूव करना स्टार्ट करेगी इस डायरेक्शन में, क्यों भाई, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर आपका बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो किस में चेंज हो गई, प्रेशर राइज में। मैं इसको एक बार इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको थोड़ा सा देखिए यहाँ पे जब आप, अब मैं कर रहा हूँ कोल्ड की बात, देखो हॉट कैसे बनी ये समझ में आ गया आपको, ठीक है ना, अब कोल्ड की बात कर रहा हूँ, तो सेंटर लाइन पे जो आपका एयर स्ट्रीम है फ्रेंड, यहाँ इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी विल चेंज इनटू द प्रेशर राइज, ठीक है, प्रेशर एनर्जी और भी कैसे प्रेशर राइज। अब होगा क्या, प्रेशर इस एंड पे फ्रेंड ज्यादा होगा समझना, और यहाँ प्रेशर जो है आपका कम है, सिंपल, यहाँ पे प्रेशर आपका कम है, तो बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस द सेंटर लाइन एयर स्ट्रीम विल मूव इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, समझना बात को, तो ये आपके यहाँ पे मूव करना चालू करेगी, ठीक है। अब होगा क्या, जब यहाँ मूव करेगी तो आपका इस साइड जो आपके हाई एनर्जी जो स्ट्रीम है इस साइड वो क्या करेगी, इसको डाइवर्ट करने की कोशिश करेगी, बिकॉज ऑफ दिस स्पाइरलिंग और बिकॉज ऑफ दिस वॉर्टेक्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द सेंटर लाइन, जो देखो सेंटर लाइन पर जो आपकी एयर स्ट्रीम है इसमें भी तो वॉर्टेक्स बनता है इस तरीके से, ये क्यों बना, क्योंकि बिकॉज ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द जो आपकी सरफेस पे वॉर्टेक्स है वो इसको खींचने की कोशिश करेगी, ठीक है ना, तो ये बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल वॉर्टेक्स इज फॉर्म अलोंग द सेंटर लाइन, ठीक है। अब होगा क्या, अब ये वाली जो स्ट्रीम है यहाँ पे मूव करेगी इस डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, कॉनिकल वाल्व के जो टिप है टिप पे प्रेशर राइज आपका ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस, यहाँ पे प्रेशर आपका कम है यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो हाई प्रेशर जो आपकी एयर है हाई प्रेशर सेंटर लाइन एयर, हाई प्रेशर सेंटर लाइन एयर या एयर स्ट्रीम मूव्स टू वार्ड व्हाट, मूव्स टू वार्ड लेफ्ट साइड, और वी कैन से
ये डायफ्राम यहाँ लगा रहता है, इसकी साइड मूव करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वोर्टेक्स चैम्बर की साइड इसका मोशन होने लगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो फिर से देखो एनर्जी इज कंजर्व, कुछ लोग इसको एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से डिफाइन करते हैं। एनर्जी इज कंजर्व, जो आपकी हाई एनर्जी यहाँ पे कंसेंट्रेट होगी फ्रेंड, किधर, ये आपके अलोंग द साइड ऑफ ट्यूब एंड जो आपकी जो वोर्टेक्स थी हॉट वोर्टेक्स की साइड, तो लो एनर्जी एंड आपका कौन सा होगा, सेंटर लाइन पे एनर्जी इज कंजर्व। तो ये क्या करता है सेंटर, जो हाई एनर्जी जो वोर्टेक्स है और जो आपका हॉट एयर स्ट्रीम है, खींचने की कोशिश करता है अपनी साइड, ठीक है, सेंटर लाइन को, लेकिन ये नहीं खींच पाता और थोड़ा सा स्पाइरलिंग ऑफ वोर्टेक्स आपका यहाँ फॉर्म होना चालू हो जाता है अलोंग द सेंटर लाइन। सेंटर लाइन भी मूवमेंट कैसे होता है, वोर्टेक्स पे होता है फ्रेंड, ऐसा नहीं स्ट्रेट लाइन होता है, वहां भी वोर्टेक्स बनता है, बिकॉज ऑफ व्हाट, कि आपका हमेशा जो हाई एनर्जी जो स्ट्रीम है हॉट एयर, इसको खींचने की कोशिश करती है सेंटर लाइन जो आपकी एयर है उसको, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस स्पाइरलिंग टेक्स प्लेस इन द सेंटर लाइन एयर स्ट्रीम, जो कि आपकी मूव कर रही है फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड, यहाँ से इस साइड, ठीक है। तो सेंटर लाइन का क्या है, ऑलरेडी टेम्परेचर लो है, कंपेरेटिवली टेम्परेचर, ऐसा नहीं है फ्रेंड कि मैं आपको फिर बता दूं कि यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस मिलता है, कंपेरेटिवली जो सरफेस की एयर रहती है वो हॉट रहती है, ठीक है ना, और ये जो सेंटर लाइन है कूल रहती है, ठीक है, सिंपल। और मैंने आपको रीजन बताया है क्यों, अब यहाँ से ये एयर मूव करेगी, पासेस थ्रू दिस साइड, और फिर यहाँ ये डायफ्राम है, देखिए, देन हॉट एयर एंड है, यहाँ से आपकी एयर आई इस तरीके से स्पाइरलिंग होते हुए, एंड इट मूव्स थ्रू व्हाट, ये इस वाले पार्ट से मूव करेगी चैम्बर से, देन पास थ्रू द डायफ्राम, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सपांशन विल टेक्स प्लेस एट दिस एंड, एक्सपांशन इज टेक्स प्लेस फर्दर एट दिस एंड, बिकॉज ऑफ दिस एक्सपांशन फर्दर टेम्परेचर विल रिड्यूसेस, और फाइनली आपको क्या है, कोल्ड एयर यहाँ पे मिलता है। सिंपल, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल इन वोर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। मैं एक बार और समझाता हूँ सिंपली, देखिए कंप्रेस्ड एयर यहाँ से आई, टेंजेंशियली फ्लो होता है, वोर्टेक्स विल वोर्टेक्स फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस। What is vortex? Vortex में आपको बता सकूं, इज अ रीजन इन फ्लो इन विच फ्लो रिवॉल्व्स अराउंड ए एक्सिस लाइन, इज कॉल्ड एज vortex। अब vortex जब मूव हुआ तो इस तरीके से vortex फ्लो यहाँ बनेगा, तो आपका जो ट्यूब के साइड जो स्ट्रीम होगी वो हॉट हो जाती है, बिकॉज ऑफ वॉट, कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। ये एयर लाइटर रहती है जो सेंटर पर रहती है, हैवियर एयर इज कंसेंट्रेटेड एट द ट्यूब सर्फेसेस, तो यहाँ पे सर्फेस और इसके मूवमेंट के कारण आपका टेम्परेचर राइज हुआ, और कोलिजन के कारण आपका टेम्परेचर राइज हुआ, तो ये हॉट एयर विल स्ट्राइक टू दिस एंड राइट हैंड, देखिए आप यहाँ से, एंड पास आउट दिस कॉनिकल वाल्व, इसके साइड से पास हो गई, और जो मिडिल ईयर सेंटर लाइन ईयर थी वो क्या है फ्रेंड, स्ट्राइक टू दिस बट ये वाला कॉनिकल सेक्शन, एंड लूज इट्स ऑल काइनेटिक एनर्जी, प्रेशराइज विल टेक्स प्लेस। तो हाई प्रेशर इस एंड पे, लो प्रेशर आपका यहाँ इस साइड हो गया, तो आपका एयर विल मूव अलोंग द सेंटर लाइन, वोर्टेक्स आपका यहाँ पे भी बनता है, बिकॉज ऑफ वॉट, कि आपका जो सरफेस पे जो एयर रहती है, वोर्टेक्स जो रहता है उसकी एनर्जी हाई रहती है, वो इसको खींचने की कोशिश करती है, बिकॉज ऑफ दिस मोशन इज नॉट स्ट्रेट लाइन, इट इज ऑल्सो अ वोर्टेक्स मोशन, ठीक है ना, जो सेंटर लाइन के अलॉन्ग होता है। तो धीमे धीमे आप जाओगे तो एनर्जी यहाँ की जो एनर्जी है कंपेरेटिवली सेंटर लाइन कम होती है एज कम्पेयर टू द सर्फेस एनर्जी, ठीक है ना। सर्फेस पे जो आपके वोर्टेक्स होता है, जो हॉट एयर है, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। धीमे धीमे आप आगे बढ़ोगे, जहां से आपकी एयर पास होगी और ये डायफ्राम पे जाकर फर्दर एक्सपांशन विल टेक्स प्लेस इन दिस एंड, और बिकॉज ऑफ दिस फाइनली कोल्ड एयर इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस एंड, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल इन केस ऑफ वोर्टेक्स ट्यूब मोशन, तो दिस इज द वोर्टेक्स ट्यूब मोशन यहाँ पे आपका। अब देखिए ये आपको एक चीज क्लियर हो गई यहाँ से, ठीक है ना। अब अगर हम लिखना चाहें तो इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लेंथ ऑफ ट्यूब विद कंसेंट्रिक ऑर्फिस लोकेटेड इन डायफ्राम, ठीक है, नियर वन एंड, एंड नोजल लोकेटेड टेंजेंशियली नियर द अदर एंड, ठीक है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो। फ्रॉम द नोजल हाई वेलोसिटी गैस ट्रेवल्स फ्रॉम, इसे लिख सकते हो फ्रॉम द नोजल, मैंने आपको दोनों बता दिया वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, तो आप लिख सकते हो इसको, ठीक है ना, फ्रॉम द नोजल द हाई वेलोसिटी गैस travels from the periphery of the tube to the axis during which ठीक है ना, the stagnation of, या बोल सकते हैं kinetic energy converted into what, pressure rise। तो मेरे ख्याल से वर्किंग और कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर होगा, ठीक है ना, आगे बढ़े इसमें। ठीक, नाउ कम्स टू द सेकेंड, ये भी आपको छोटा सा पार्ट है, वर्किंग ऑफ स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है ना, वर्किंग ऑफ स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यहाँ पे बेसिकली ये भी कभी कभार आपको पूछ लिया जाता है, तो इसकी भी आपको थोड़ा सा वर्किंग पता होना चाहिए, तो यहाँ पे भी हम उसी तरीके से पढ़ेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं फिर हम वर्किंग देखेंगे। तो यहाँ पे आपका पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए नोजल है, एक साइकिल तो आपकी ये होती है, ये वाली साइकिल, एक जो साइकिल है आपकी फ्रेंड ये होती है, यहाँ से देखिए ये वाली साइकिल,
दिस इज वन साइकिल, अनदर साइकिल इज दिस साइकिल। मैं आपको सिंपली यहाँ दो पार्ट में मैंने इसको ब्रेक कर दिया। टू साइकिल इज ऑब्टेंड इन द वर्किंग ऑफ स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यहाँ पे देखिए रेफ्रिजरेशन हमको क्यों मिला, बिकॉज ऑफ स्टीम जेट, बिकॉज ऑफ दिस वी कॉल्ड एज स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, बिकॉज ऑफ दिस वी कॉल्ड एज स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। पहली चीज तो देखिए यहाँ पे नोजल है, नोजल से आपका जो स्टीम बॉयलर में बनी वो स्टीम यहाँ से पास हुई, देखिए आई, और ये हाई स्टीम जो स्टीम फ्रॉम बॉयलर इज पास थ्रू द नोजल। ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल है, कैसी है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल फ्रेंड, ठीक है ना, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेपर फॉर्मेशन होता है उसको ये सक कर लेता है इन साइड दिस। तो आप पहले हम ये ऊपर वाली साइकिल को समझ लेते हैं, नोजल फिर इजेक्टर से पास हुई, ठीक है ना, यहाँ पे। इसके बाद आपका ये कंडेंसर, देन पंप, देन कूलिंग वाटर, इस तरीके से एक साइकिल तो आपकी ऊपर चलती है, ठीक है। दूसरी साइकिल यहाँ पे चलती है जो रेफ्रिजरेटर स्पेस है, ये वो स्पेस है जहाँ पे हमको कूलिंग इफेक्ट चाहिए फ्रेंड, वी नीड अ कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट हमको यहाँ पे चाहिए। तो इसके कारण हम ये सब चीजें कर रहे हैं। अब देखिए कि हमको होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल समझा दूं। ये जो आपका प्रिंसिपल ऑफ स्टीम जेट, जो फ्रेंड स्टीम जेट वाला प्रिंसिपल है, किस तरीके से वर्क करता है ये थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं हम पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड चेंजेस, एक चीज आपको पता होगा कि आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी, बॉइलिंग पॉइंट ध्यान देना फ्रेंड, इस चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑफ लिक्विड चेंजेस, ध्यान देना ये थर्मोडायनेमिक्स कंसेप्ट है, चेंजेस विथ चेंज इन, विथ चेंज इन एक्सटर्नल प्रेशर। समझिए जैसे अभी अगर मैं बात करूं, नॉर्मल वाटर है आपका फ्रेंड, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मल वाटर आपका रखा हुआ है, तो अभी जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक्सटर्नल प्रेशर कितना है इसके सरफेस पे, वन एटमॉस्फेरिक, समझना, वन एटमॉस्फेरिक एक्सटर्नल प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन दिस सरफेस, ठीक है ना, जो वाटर आपका ओपन एटमॉस्फेयर में रखा है। तो अब इस केस में जब हम बॉयल करते हैं, आप नॉर्मल घरों की बात करो, तो वाटर कब कितने, जब वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो आप देखना 100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड आपका वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है, ये चीज समझ में आई आपको, क्लियर है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड चेंजेस विद चेंज इन एक्सटर्नल प्रेशर, समझिए एक्सटर्नल प्रेशर 180 एम है, तब ये 100 डिग्री सी पे आपका बॉयल होता है वाटर, ठीक है, जो हम देखते हैं। अगर यही चीज मैं आपसे ऐसे बोलूं, या मैं 180 एटमॉस्फेयर के इज इक्वलेंट टू व्हाट, 1.013 बार बोल सकता हूं, है ना, इक्वल होते हैं। अगर मैं इसी चीज को ऐसे बोलता हूं कि एक्सटर्नल प्रेशर विल चेंज, एक्सटर्नल प्रेशर मान लो सपोज मैं फ्रेड कर देता हूं कितना 0.014 बार, मैंने कितना बचा 0.014 बार। अगर आप प्रेशर को घटा के एक्सटर्नल प्रेशर वन एटमॉस्फेयर जो उसके एक्सटर्नल सरफेस पर लग रहा था, तो आपने ओपन एटमॉस्फेयर इसको बॉयल किया, तो 100 डिग्री सी पे ये बॉयल होना चालू हो जाता फ्रेंड। लेकिन प्रेशर जब आप घटाते हो, एक्सटर्नल प्रेशर घटा के आपने एटमॉस्फेयर से कर दिया सपोज 0.014 बार, सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल 0.014 बार, तो अब इसका जो टेम्परेचर है बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होगा फ्रेंड, लगभग 12 डिग्री सी। इसको समझिए, जैसे जैसे आप प्रेशर को रिड्यूस करोगे, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप इसी वाटर को एक्सटर्नल प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर की जगह अगर आप ले आते हो 0.015 बार पे, तो अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा 12 डिग्री सी होता है, ये चीज याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहाँ पे जैसे जैसे आप एक्सटर्नल प्रेशर घटाओगे तो उसके बॉइलिंग जो सॉरी टेम्परेचर जो है बॉइलिंग टेम्परेचर विल रिड्यूसेस, ठीक है, ये आपका चेंजेस होता है जो देखने को मिलता है। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यहाँ पे जो सरफेस जो वाटर है उस वाटर का आप एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर देते हो, ठीक है ना, इसके कारण आपका जो बॉइलिंग है बॉइलिंग विल टेक्स प्लेस एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है ना। यहाँ पे समझिए आप, इफ दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर, तो यहाँ पे जब आप रिड्यूस करते हो प्रेशर को तो टेम्परेचर ऑल्सो रिड्यूसेस, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑल्सो रिड्यूसेस, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बॉइलिंग ऑफ लिक्विड एट लोअर टेम्परेचर बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन इट्स सरफेस इज यूज्ड इन स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, सिंपल, ठीक है ना। अब हम आते हैं जो हम पढ़ रहे थे उस पर, एक प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा। अब किस तरीके से हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, तो ये नोजल वाला जो पार्ट है इजेक्टर, तो यहाँ बहुत हाई वेलोसिटी से नोजल जब पास करते हैं तो आपका जो प्रेशर है फ्रेंड इस यहाँ पे क्या होता है कम हो जाता है, और इस रीजन पे देखिए इस रीजन की जो वेपर है वो आसानी से सक होके यहाँ पे मिक्स हो जाती है इस नोजल के स्टीम के साथ, और आसानी से ये कंडेंसर में जाती है, देन दिस साइकिल विल
गोज लाइक दिस, ठीक है ना। तो सिंपल समझिए आप, तो ये प्रिंसिपल आप यहाँ पे यूज करते हो स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। अब मैं आगे आता हूं इसमें, अब आपको नेक्स्ट मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, रिजॉल्व। ठीक, अब देखिए यहां तक क्लियर है। ठीक, तो ये चीज थोड़ा आप फैक्ट याद रखना कि जब भी आप एक्सटर्नल सरफेस का प्रेशर आप रिड्यूस करते हो तो फ्रेंड उसका टेम्परेचर भी, जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो भी आपका रिड्यूस होता है। तो अगर आप एटमोसफेयर प्रेशर पे, अगर वाटर की हम बात करें, एटमोसफेयर प्रेशर पे अगर वाटर को आप बॉयल करते हो तो 100 डिग्री सी पे होता है, लेकिन इसी को अगर हम कम कर देते हैं तो वो उसके करस्पॉन्डिंग आपका बॉइलिंग टेम्परेचर भी कम होता जाता है। सिंपल, तो मेन कंपोनेंट में मैंने समझ लिया, एक साइकिल तो आपकी ये हो गई। ठीक है, दूसरी साइकिल ये है, यहाँ पे देखिए दूसरी साइकिल हम देखते हैं। पंप लगा है, चिल्ड वाटर लगा है, देखिए यहाँ पे आपका जो है वाटर भरा रहता है, ये टैंक है, दिस इज इंसुलेटेड फ्लैश चैम्बर और एवापोरेटर। ये क्या है, वो पार्ट है एवापोरेटर जो हम कहाँ पे, देखिए नॉर्मल वीसीआर साइकिल में हमने एवापोरेटर सुना है, ये वो पार्ट है जहां पे हमको कूलिंग इफेक्ट चाहिए, ठीक है ना। तो ये एवापोरेटर वाला पार्ट हो गया, जहाँ पे हमको क्या चिल्ड वाटर चाहिए। तो यहाँ पे जो वाटर है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपको कूल मिलता हो लेकिन आपका काम चल जाता है, ठीक है ना। अंकित सिंह बोलिए, ठीक है ना। तो देखिए फ्लैश चैम्बर और एवापोरेटर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए चिल्ड वाटर आपने यूज किया, पंप किया, यहाँ रेफ्रिजरेटिंग स्पेस में आप जो भी यूज था आपने कूलिंग इफेक्ट ले लिया, कूल्ड वाटर जो चाहिए था थोड़ा आपको वहां से मिल गया। नाउ वार्म वाटर इज, आपने हीट यहाँ पे रिलीज कर दी, वार्म वाटर इज गोज टू दिस, और इसके बाद आपने क्या किया, स्प्रे, यहाँ पे क्या है परफोरेटेड ट्यूब्स रहती है, परफोरेटेड ट्यूब के हेल्प से आप स्प्रे करते हो किसको, वार्म वाटर को। तो यहाँ पे क्या फिनोमेना होता है फ्रेंड, व्हेन यू स्प्रे द वाटर इन दिस चैम्बर देन व्हाट विल हैपन हैपन, पहले तो एक चीज याद रखना, फ्लैट जो चैम्बर होता है एवापोरेटर, ये इंसुलेटर होता है, इंसुलेटेड होता है, ठीक है ना। दिस इज इंसुलेटेड चैम्बर, दिस इज इंसुलेटेड चैम्बर। यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर स्टीम फ्रॉम बॉयलर पास थ्रू स्टीम नोजल, ये यहाँ पे होता है। ठीक, तब देखिए यहाँ पे जो वार्म वाटर कमिंग आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटेड स्पेस इज स्प्रेड इनटू अ फ्लैश चैम्बर, ये चीज याद रखना, फ्लैश चैम्बर में आप इसको जब स्प्रे करते हो, ठीक है ना, फ्लैश चैम्बर, ठीक, इनटू फ्लैश वाटर चैम्बर वेयर सम ऑफ विच, वेयर जो कुछ वाटर होता है, सम ऑफ विच कुछ वाटर पोर्शन, ठीक है, इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, कन्वर्टेड इनटू वेपर्स आफ्टर एब्जॉर्बिंग द लेटेंट हीट, ऑब्जर्व एब्जॉर्बिंग द लेटेंट हीट फ्रेंड, ठीक है ना। देयर बाई कूलिंग द रेस्ट ऑफ वाटर, देयर बाई कूलिंग रेस्ट ऑफ वाटर। तो आप क्या करते हैं, कुछ पानी आपका जो स्प्रे होकर यहाँ पे लेटेंट हीट ये ले लेता है, और जो वाटर की हीट जब ये ले लेगा देन इट विल गेट वेपराइज, और ये वेपर आपकी फ्रेंड इजिली सक हो जाती है कहाँ पे, इजेक्टर सेक्शन में, जहाँ पे नोजल और के साथ जो आपका वाटर आता है मिक्स होकर इजिली इट गोज टू द कंडेंसर, यहाँ पे ये लिक्विफाई होकर अगेन पंप पे जाता है, पंप से फिर आप बॉयलर में आप फीड करते हो, देन इट्स दिस साइकिल गोज लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेसिक फंक्शन क्या हुआ फ्रेंड, जो स्प्रे वाटर रहता है स्प्रे चैम्बर में आप क्या करते हो, स्प्रे करते हो वार्म वाटर को, बिकॉज ऑफ दिस इट विल टेक सम लेटेंट हीट फ्रॉम द वाटर एंड एट सर्टेन प्रेशर एंड टेम्परेचर इट विल वेपराइज बाय टेकिंग द लेटेंट हीट। तो रिमेनिंग जो वाटर है जो टैंक में भरा है वो कूल हो जाता है, और जो वेपर है वो आपके यहाँ जाके मिक्सअप हो जाती है और आगे जाके साइकिल में यहाँ पे चली जाती है, ठीक है। सिंपल यार मैकेनिज्म है ये। अब एक चीज याद रखना है यहाँ पे, जैसे मैं एक चीज और बताऊँ, जैसे कूलर आपने देखा है घरों में, कूलर जो डिजर्ट कूलर होता है, वहां पे आप देखना जो उसके टैंक पानी का जो टैंक रहता है वो पानी आपका ठंडा हो जाता है, आपने कभी ध्यान दिया है तो आप कभी उसमें देखना, ये कूल तो कर ही रहा है एयर को, साथ में जो टैंक में वाटर रहता है वो कूल्ड हो जाता है, क्यों, उसमें भी ये सेम फिनोमेना होता है फ्रेंड, ठीक है ना। ठीक है, सेम फिनोमेना स्लाइट, ये आपका इस तरीके फिनोमेना वहां पे भी देखने को मिलता है, आपका क्या होता है कि लेटेंट हीट को ये ले लेता है जो वाटर है, इट विल गेट वेपराइज, ठीक है ना, और कूलिंग इफेक्ट विल टेक्स प्लेस, तो जो आपका यहाँ पे जो वाटर है वो क्या करता है कूल होता चला जाता है। तो इस तरीके के फिना सेम सेम फिनोमेना आपको डिजर्ट कूलर में देखने को मिलता है। तो आप जब भी इसको इमेजिन करो तो डिजर्ट कूलर का एग्जाम्पल आप देख सकते हो। और फाइनली क्या है, जो वेपर है वो मिक्स होकर एयर के साथ हमारी बाहर आ जाती है, फैन के एयर के साथ, डिजर्ट कूलर में यही होता है, ऐसे सिमिलर यहाँ पे होता है। यहाँ पे वो पर्पज हम इजेक्टर नोजल के थ्रू, जो नोजल है यहाँ से उसके थ्रू पर्पज ये सॉल्व कर रहे हैं कि जिससे कि आसानी से सक होके वेपर यहाँ पे आ जाए और इट विल मिक्स अप विद दिस स्ट्रीम,
ठीक है ना, क्योंकि अगर ये वेपर यहीं पे रह जाएगी इसी में तो क्या होगा फ्रेंड, फर्दर ये इट विल स्टॉप द वेपराइजेशन ऑफ फर्दर वाटर, ठीक है ना, और कूलिंग इफेक्ट हमको उतनी नहीं मिलेगी। आप चाह रहे हो कूलिंग मिलती रहे आपको कंटिन्यूअसली, तो आप ये वेपर जितनी आसानी से आप रिमूव कर सकते हो, और जितनी फास्ट अगर रिमूव करोगे आप, उतना आपको कूलिंग इफेक्ट यहाँ पे मिलेगा। वार्म वाटर स्टेयरिंग से इंजेक्ट होता है, बिल्कुल राकेश मोहंती, यहाँ पे जो स्टीम है ये इट विल मिक्स अप विद दिस वाटर। क्या कंफ्यूजन है राकेश मोहंती बताइए, इसको दोबारा समझा देंगे। देखिए मैं दोबारा समझाता हूँ इसको सिंपल। देख फ्रेंड, यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या होता है कि यहाँ पे आप प्रेशर डाउन करते हो, सिंपल ऐसे समझिए, अगर मान लो कोई सरफेस है, वाटर सरफेस है, अगर मैं इस पे एक हाई वेलोसिटी जेट को पास करा दूं, तो यहाँ पे क्या एवोपरेशन विल टेक्स प्लेस, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे होता है डिजर्ट कूलर में, क्या होता है यहाँ पे मोटर लगी होती है और आपका क्या है यहाँ पंखा चलता रहता है, जो फैन चलता है, तो उसके कारण क्या है कि आपका प्रेशर डिफरेंस कारण आपकी एयर बहुत हाई स्पीड से आती है, ठीक है ना, इट विल टेक अप हाई स्पीड। और होता क्या है यहाँ पे जो सरफेस पे जो वाटर रहता है विल गेट वेपराइज भाई, बिकॉज देखिए यहाँ पे जो आपका जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स विल टेक अप द हीट, मॉलिक्यूल विल टेक अप द हीट एंड गेट वेपराइज एंड मिक्स अप विद द वाट। जब ये लेटेंट हीट ले लेते हैं मॉलिक्यूल और विल गेट वेपराइज, जो रिमेनिंग वाटर है वो कूल होने लगता है, ठीक है ना। ये फिनोमेना बेसिकली मैं आप कूलर की हेल्प से समझा रहा हूँ जिससे कि आप समझ सको उसको। इसी तरीके से यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे बेसिकली हाई वेलोसिटी जो जेट है वो हमने इसलिए लगाया है कि यहाँ पे हमको कूलिंग इफेक्ट ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। अगर इस तरीके से होता है तो ये वेपर जो यहाँ बनती है वो आसानी से बन के आपके से मिक्स होकर चली जाएगी बाहर। अगर ये वेपर आप रिमूव नहीं कर पाओगे आप इस चैम्बर से, तो आपको कूलिंग इफेक्ट उतना नहीं मिलेगा जितना आपको चाहिए, ठीक है राकेश मोहंती। इसलिए हमको ये सब चीजें करना पड़ती है यहाँ पे। तो वार्म वाटर यहाँ से आया, ये रेफ्रिजरेटेड स्पेस है, यहाँ से हीट लेके ये वाटर विल बिकम व्हाट, वार्म। वार्म वाटर यहाँ से आया, जब आपने इसको स्प्रे कराया इस पे, तो क्या ये लेटेंट हीट लेके इट विल गो गेट वेपराइज, ठीक है ना। तो ये लेटेंट हीट इसने ले ली कहाँ से, जो रिमेनिंग वाटर है, और जब ये लेटेंट हीट इससे ले लेगा रिमेनिंग वाटर से, वेपराइज हो जाएगा अपर सरफेस, तो जो आपका सराउंडिंग वाटर है विल कूल अप ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। दिस फिनोमेना विल टेक्स प्लेस इन अपने जो डिजर्ट कूलर है उसमें भी सेम फिनोमेना होता है। आप थोड़ा सा उसको इमेजिन करिए तो आप यहाँ आसानी से उसको कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये कूलिंग इफेक्ट करने के अपने अपने तरीके हैं। अब कूलर में क्या है, बहुत कम कूलिंग इफेक्ट चाहिए, जब आपको बहुत ज्यादा चाहिए तो आपको और फर्दर प्रेशर इसके सरफेस को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपने क्या है नोजल लगाया, ठीक है ना। तो नोजल से क्या आपको थोड़ा और प्रेशर रिड्यूस होगा, तो आपको आसानी से ये वेपराइजेशन यहाँ पे होगा, तो आपको और कूल्ड वाटर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने ये एग्जांपल डिजर्ट कूलर का इसलिए बताया थोड़ा सा आप उसको इमेजिन कर सको, ठीक। तो ये आपका बेसिक प्रिंसिपल था वर्किंग ऑफ जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। पहला तो इसका कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में ये आप सभी पार्ट्स के बारे में लिखोगे कि यहाँ पे चिल्ड वाटर मतलब स्प्रेयर होता है, वार्म वाटर मिलता है, रेफ्रिजरेशन, ये सबके बारे में लिखोगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में। और सबसे स्पेसिफिक यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है फ्लैश चैम्बर और एवापोरेटर, जो कि इंसुलेटेड होता है, ठीक है ना। ये इंसुलेटेड चैम्बर रहता है, ठीक है, यहाँ पे हमको वाटर मिलता है कूल्ड वाटर और चिल्ड वाटर, ठीक है, वो उसको हम यूज करते हैं किसके लिए, रेफ्रिजरेटेड स्पेस में फॉर कूलिंग इफेक्ट के लिए फ्रेंड। फर्दर जब ये यहाँ पे क्या करता है, हीट ले लेता है, तो इट विल बिकम वार्म, तो वार्म वाटर यहाँ पे गया। फिर आपने स्प्रे की हेल्प से इसको स्प्रे किया, जिससे क्या ये लेटेंट हीट ऑफ वाटर ले लेता है और साथ में इट विल गेट वेपराइज। तो जब आप लेटेंट हीट यहाँ से जितना ज्यादा रिमूव होगी उतना ज्यादा आपका रिमेनिंग वाटर क्या होगा, चिल्ड होगा, ठीक है ना। देन इट कम्स टू दिस चैम्बर, यहाँ क्या होता है फ्रेंड, नोजल से हाई वेलोसिटी जेट आता है, जब हाई वेलोसिटी जेट आएगा तो प्रेशर विल बिकम वेरी लो, तो इसमें आसानी से ये वेपर है इसके फ्लो को आसानी से करवाएगा, तो फ्लो बहुत जब जितनी आसानी से वेपर यहाँ से रिमूव हो जाएगी उतना आपके लिए फायदेमंद है, उतना आपको क्या मिलेगा फ्रेंड, चिलिंग इफेक्ट मिलेगा, कूलिंग इफेक्ट। इससे न्यूमेरिकल नहीं आता सचिन आजाद, ये अभी तक यहाँ से केवल आपका ये थ्योरी डिफाइन करने को आई है। देखो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक फ्रेंड, होता क्या है ईएससी में ये 10 से 20 नंबर का यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, 10 to 20 marks, तो मैं इट इज फॉर ईएससी। और साथ ही में ये आपको क्या है ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ लिया जाता है, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स ईएससी, तो वहां पे ऑब्जेक्टिव आपको ऑब्जेक्टिव में एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, या वॉर्टेक्स ट्यूब में क्या है, हॉट एयर कोल्ड एयर हमको एक साथ मिलती है या हॉट एयर मिलती है, इस तरीके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव आ रखे हैं। मैं इसलिए ये टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपका कंप्लीट हो जाए सिलेबस, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस में है ईएससी के में लिखा हुआ है साफ, वर्किंग ऑफ स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड वॉर्टेक्स ट्यूब,
तो हमको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है ना, इसलिए पढ़ा रहा हूं ये, इससे न्यूमेरिकल नहीं आते और ना आएंगे कभी, ठीक है। और इसके बाद एक वर्टेक्स ट्यूब को मैं एक चीज बताना भूल गया, वर्टेक्स ट्यूब को जो है, जो वर्टेक्स ट्यूब है, वर्टेक्स ट्यूब को फ्रेंड हम ये रेग हिल्स ट्यूब भी बोलते हैं ना, इन्होंने दिया था, इनका कुछ कंट्रीब्यूशन था इनके नाम पे, हम आर ए एन क्यू यू ई, इस तरीके से ई एस ई में पूछा गया है, डिफाइन द वर्किंग ऑफ रेग हिल्स ट्यूब, तो ये आपको इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये ईएससी में इस तरीके से भी आया हुआ है क्वेश्चन, इंटरव्यू में भी वर्किंग प्रिंसिपल पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं, ठीक है विकास कुमार, बिल्कुल इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले ही बोला कि आरएसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, काफी बार ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, और आप इंटरव्यू में जैसे बैठते हो, घुसते हो रूम में तो एसी लगी हुई है, तो आपका एज ए मैकेनिकल इंजीनियर एसी की वर्किंग पूछ लेते हैं, एसी का कुछ इफेक्ट पूछ लेंगे, तो एसी के क्वेश्चन जनरल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, ठीक है ना। तो आज एज पर सिलेबस जो मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में जो बताया था कि सिलेबस के हिसाब से हम किस तरीके से मूव करेंगे, तो जो सिलेबस मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, आज मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा आपका फ्रेंड कुछ भी पार्ट नहीं बचता आरएसी में, डोंट वरी, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा आपको, और आप इतना ही पढ़िए। इसके बाद कल मेरे एक रिवीजन सेशन है, उसमें एस पर गेट जो इंपोर्टेंट है, जैसे गेट के लिए बेसिकली जो इंपोर्टेंट क्या है, एक तो वीसीआर साइकिल है, ठीक है ना, इसके बाद हीट पंप, ठीक है ना, जो कि आप पढ़ चुके थर्मोडायनेमिक्स में, एंड इसके बाद साइक्रोमेट्रिक चार्ट एंड प्रोसेस, ये बस इतना सिलेबस है आपका, किसमें फ्रेंड, दिस इज कम्स इन गेट ओनली। तो ये कल हम ये जो चार टॉपिक, तीन चार टॉपिक, इनको कल हम रिवाइज करेंगे एज पर द गेट, ठीक है ना, एज पर द गेट कल हम इसको पूरा रिवीजन करेंगे। तो कल का लेक्चर मिस मत करिए आप, गेट के जो क्वेश्चन है मैं बता चुका हूँ, और ईएस की क्वेश्चन में एक दो दिन में पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, ईएससी की क्वेश्चन भी मैं अपडेटेड लिस्ट देखूंगा, आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना, तो डोंट वरी। और इसके साथ आप गेट के क्वेश्चन लगभग पूरे हो चुके हैं क्लास में, तो आप एक क्वेश्चन और है, देखिए 2016 में किसी बच्चे ने पूछा था, ये क्वेश्चन करिए आप सॉल्व करिए, किसी बच्चे ने पूछा था कि ये क्वेश्चन क्या है तो बताइए, इसमें पूछा क्या है, देखिए इन वेपर कंप्रेशर साइकिल शोन इन द फिगर, ठीक है, शोन इन द फिगर एवोपोरेटिंग एंड कंडेंसिंग टेम्परेचर आर 260 केल्विन एंड 310 केल्विन रिस्पेक्टिवली, द कंप्रेशन टेक्स इन लिक्विड वेपर मिक्सचर स्टेट 1 एंड आइसेंट्रोपिकली कंप्रेसर्स 82 ड्राई सैचुरेटेड वेपर कंडीशन स्टेट 2, जो देखिए फिगर भी गिवेन है आपको, तो ऊपर लैंग्वेज कोई मतलब नहीं है आपको, सब चीज गिवेन है यहाँ पे, द स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज 4.8 किलो जूल पर केजी केल्विन may be treated as constant, the enthalpy of evaporation of the refrigerant is this at temperature this, ठीक है ना, ये आपको HFG given है friend, ठीक है ना, HFG कितना given है 1054 at what temperature 310 Kelvin, ठीक है, इसके बाद आपको क्या पूछा है, difference between the enthalpies at state point 1 and this, 1 and 0 के बीच में क्या enthalpy difference होगा, तो this is asked in gate, तो ये इस question को solve करिए अगर आप कर सकते हो, सॉल्व करिए, सॉल्व करके आंसर बता सकते हो इसका, ठीक है ना, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व कर सकते हो, तो आपको एंथैल्पी डिफरेंस पूछा है 1 एंड 0 के बीच में, मतलब आपको कौन सा पॉइंट हो गया फ्रेंड, ये दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो सिंपली मैं आपको इसको सिंपल बनाता हूँ क्वेश्चन को, आप आंसर आप निकालना, मैं बस आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, यहाँ पे आप फाइनल आंसर आप निकाल लेना, H1 माइनस H0, ठीक है ना, इक्वल टू व्हाट, T0 S1 माइनस S0 लिख सकते हैं, डेल्टा एच यहाँ पे देखिए T0 S1 माइनस S0, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हो, मैंने इसको आपको बताया ही अभी है, ठीक है ना, तो आपका जो हीट है एडिशन या क्यू जो H1 माइनस H0 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, नाउ हमको क्या निकालना है, ये निकालना है H1 माइनस H0, अब हमको फ्रेंड क्या पता है H2 का जो एंट्रोपी है, ये देखिए आप H2 है ना, अब हम इस तरीके से हमको S1 माइनस H0 की वैल्यू अगर मिल जाए, T0 फ्रेंड हमको पता है, इसके अलोंग इस लाइन के अलोंग टेम्परेचर की वैल्यू क्या है ये हमको पता है, ठीक है ना, T0 इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो T0 हमको पता है फ्रेंड, ठीक है, और HFG पता है इसके अलोंग, तो अब हम ये बताइए कि क्या आपकी ये वैल्यू क्या होगी H1 माइनस H0, सिंपली हम S1 माइनस H0 को, या मैं ऐसे बोलूं H2 माइनस H0, ध्यान से सुनना, इज इक्वल टू वॉट, ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए T
थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल आप यूज करोगे तो आप आसानी से आंसर दे पाओगे। अब देखिए, ए टोटल एंट्रोपी एस टू माइनस एस नॉट, ये क्या होगा, एस टू माइनस एस नॉट की जो एंट्रोपी होगी, तो एंट्रोपी इन दिस प्रोसेस, प्रोसेस मतलब एंट्रोपी अलोंग 0-3 प्लस एंट्रोपी अलोंग 2-3, और इन दोनों एंट्रोपी का सम करेंगे तो हमको एंट्रोपी मिल जाएगी इस दो पॉइंट के बीच की। सिंपल एंट्रोपी अगर हम बात करें फ्रेंड, इन दोनों के बीच एंट्रोपी जो 2 और 0 जो पॉइंट है, ओ या 0 बोलो आप, इसके साथ में जो एंट्रोपी कितनी है, टोटल एंट्रोपी, तो इस प्रोसेस के अलोंग जो एंट्रोपी होगी फ्रेंड, और इस प्रोसेस के अलोंग जो होगी उनका समेशन, सिंपल। तो एस 0-3 मतलब ये जो प्रोसेस है कहाँ पे, लिक्विड रीजन में है, मतलब सैचुरेशन सब कूल लिक्विड है ये 0-3। तो यहाँ अगर हम इस केस के लिए अगर एंट्रोपी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यू नो दैट पार्ट, डेल क्यू डीएस क्या होता है, डेल क्यू इक्वल टू टीडीएस, ठीक है ना। तो डेल क्यू इधर हीट कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आप देखिए डेल क्यू, इसको सीपीडीटी लिख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे सीपीडीटी अपॉन टी, सिंपल, ठीक है ना। इसको जीरो प्लस, इसके लिए अगर आप एंट्रोपी निकाल दो फ्रेंड, तो एंट्रोपी इसके लिए सिंपल क्या होगा, इसके अलोंग ये क्या है, यहाँ पे वेपर, ये देखिए ये फेस चेंज हो रहा है, तो इसके अलोंग आपका जो एंथैल्पी रहेगा अपॉन टेम्परेचर बोल सकता हूँ, क्योंकि देखिए एंथैल्पी क्या है, यहाँ पे जो आपका एंट्रोपी क्या होगी, एस टू माइनस एस थ्री क्या होता है, लेटेंट हीट अपॉन टी, ठीक है ना। ये ड्राइव में करवा चुका हूँ आपको ऑलरेडी, ये एक्सप्रेशन में ड्राइव भी करवा चुका हूँ, लेटेंट हीट अपॉन टी, लेटेंट हीट क्या हो जाएगी, इसके एंथैल्पी ऑफ एवेपोरेशन जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके केस में हो जाएगा एच एफ जी अपॉन वाट टी नॉट, पुट इन दिस, पुट इन दिस, और आपको जो है फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखिए पुट इन दिस, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, एस टू माइनस एस नॉट इक्वल टू वाट 0-3 सी पी टी टी अपॉन टी फ्रेंड प्लस एच एफ जी अपॉन 310, सिंपल। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आएगा 4.8 ln of 310 अपॉन 260, ये आपको गिवन है टेम्परेचर, और यहाँ पे जो है ये आपको गिवन है, लेकिन साथ में ही S2 की जगह मैं S1 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि हमको पता है फ्रेंड S1 और S2 क्या है, ये इक्वल है, क्योंकि ये एंट्रोपी लाइन है, कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन, इसके अलोंग ये वैल्यू दोनों इक्वल है, इसलिए मैंने S1 को S2 को S1 से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ जब हमारा S1 माइनस S0 पर जाएगा तो यहाँ पे पुट करोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, H1 माइनस H0, तो यहाँ पुट करके आप देखिए जो भी आएगा वो आंसर होगा, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना फ्रेंड, इसको सॉल्व कर लेना आप, बाकी का मैंने आपको बस ये कंसेप्ट बता दिया यहाँ पे, आप बाकी का सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। ये 260 केल्विन है, है ना, ये वाला जो टेम्परेचर है 260 है, ये 310 है, बाकी का मैंने आपको ये S1 माइनस S0 बता दिया, T0 आपको पता है 260 है, यहाँ पुट कर लीजिए, आपका एंथैल्पी चेंज आ जाएगा बिटवीन द पॉइंट H1 एंड H0। तो आप इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है, H1 माइनस H0 इक्वल टू व्हाट, T0 S1 माइनस S0, ये आपका 260 हो गया, और यहाँ से क्या वैल्यू आई ये बताइए आप, कैलकुलेट करिए आप, मेरे पे इसका फाइनल सॉल्यूशन आप कैलकुलेट करके जो भी आया आंसर लिख लेना आप यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसमें बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का यूज हो रहा है, ठीक है ना। ये आपका 2016 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है गेट में, उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तो आज के लिए इतनी है फ्रेंड, तो बेसिक हमको वॉर्टेक्स ट्यूब देखा हमने, स्टीम जेट रेफरेंस सिस्टम देखा, ये बहुत छोटे से टॉपिक हैं और बहुत कम एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड, नॉट वरी। आप ईएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनको पढ़िए, आपके लिए बेनिफिशियल है ये, गेट में ये सिलेबस में नहीं है तो कभी नहीं आएंगे, सिविल सर्विसेज मेंस में आ सकते हैं या फिर आपकी ईएससी प्रीलिम्स या कन्वेंशनल में, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है, और आरईसी का जो सिलेबस था जो हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर में डिसाइड किया था आज कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है, और कल हम रिवाइज करेंगे एज पर द गेट, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईसी इंजन स्टार्ट होने वाला है, आईसी इंजन स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद अनअकैडमी को सब्सक्राइब करिए, और जब सब्सक्रिप्शन ले आप सो आप GSUS कोड डालना ना भूलें, ठीक, क्लियर है। प्रोवाइड PDF RAC, ओके राकेश मोहंती, आई विल प्रोवाइड, ठीक है ना। डोंट फॉरगेट टू पुट माई कोड GSUS व्हेन यू आर टेकिंग सब्सक्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, ठीक है ना। RAC प्ले लिस्ट कोई पूछ रहा था तो IRAC प्ले लिस्ट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी आज लिंक दे रखी है, तो आप उसको देखिए, ठीक है ना। तो मैं अगर आपको चाहिए तो इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पे बता दूँ आपको, ठीक है ना। ये प्ले लिस्ट है ये RAC की, ठीक है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। राकेश मोहंती देख सकते हो आप यहाँ पे।
दिस इज द प्लेलिस्ट। ठीक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।